हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर अडैप्टेशंस इन एनिमल्स। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट अडैप्टेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। वी डिस्कस अबाउट ओनली टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। सो वॉट डू यू मीन बाई अडैप्टेशंस? सो अडैप्टेशंस आर द स्पेशल फीचर्स विच हेल्प्स द एनिमल्स टू लिव इन देयर सराउंडिंग्स or survive in their surroundings easily. Depending on the types of animals, the animals' adaptations has been classified as terrestrial animals, aerial animals, arboreal animals, aquatic animals and amphibians. So we were discussing about terrestrial animals. Here they are. As you can see in the picture, these were the terrestrial animals. They have well-developed legs so that they can easily survive on the land. But there is one more terrestrial animal which does not have legs, but they have scales on their body to travel, to move on the land easily. So now we will discuss about one more animal which is terrestrial animal, but this animal lives in desert area. The environment of desert area is dry and hard. So in how camels survive in that kind of condition? So how, what are the special features of camel which helps it to survive, or the adaptations? These are the adaptations of camel which helps it to survive in desert area. Okay, let's discuss about them one by one. So first, they have long eyelashes which protect them or their eyes from strong sandy winds. मतलब जैसे हवा आती वहां, but sandy area है ना, वहां पर जो भी हवा आएगी तो area में पूरे धूल धूल की तरह हो जाएगा। धूल जैसे अब बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलने लगेगी तो कैसे होगा, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ने लगेगी और आंख में जा सकती है। तो इन वहां पर एरिया ऐसा है, सैंडी सॉइल है, ज्यादा हवा की वजह से वो मिट्टी, वो सैंडी सॉइल इनकी आंख में नहीं जा सकती, क्योंकि दे हैव आईलैशेस, दे हैव लॉन्ग आईलैशेस विच प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड्स। Next is their mouth. In their mouth, inner portion of mouth is leather-like. This allows camel to chew thorny desert plants. As we all know that we studied in the last chapter that cactus are the plants which grow in desert. So they have bone-like stems which are hard. बहुत ज़्यादा hard stems को भी वो काट के खा सकते हैं, क्योंकि इनके जो इनर पोर्शन है वो लेदर की तरह है, विच हेल्प्स देम टू ईट हार्ड प्लांट्स ऑफ डेजर्ट। नेक्स्ट, देयर नोस्ट्रिल्स कैन बी क्लोज्ड एंड ओपन एट विल। दिस प्रोटेक्ट्स नोस्ट्रिल्स ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म। मतलब उनके जो ये नोस्ट्रिल्स है ना, उनकी मर्जी से बंद भी होते हैं और खुलते भी है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग विंड्स आए तो ये हो सकता है कि वो सैंड जो है उनके नाक में घुस जाए। बट दे हैव स्पेशल फीचर। मतलब कौन से स्पेशल फीचर है? उनके नोस्ट्रिल ऐसे है, वो जब चाहे तब बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं, विच हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सैंड स्टॉर्म। नेक्स्ट, they have large padded feet help in walking on soft sand. So उनके feet जो है, पैर जो है बहुत ज्यादा large है, which helps them to walk in the sand. हमारे पैर के साथ sand में easily walk नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, but they have that kind of legs which helps them to walk easily on sand, soft sand. As you can see in the picture, this kind of legs they have which helps them to walk easily on soft sand, जिसकी वजह से उनके पैर सैंड के अंदर नहीं घुस जाते। As you can see, this is bigger area, sorry, bigger part, because this is fat which helps them to keep excess amount of food. This is hump.
विच इज फैट ऑफ दिस कैमल, बहुत ज्यादा फूड इसमें यहाँ पर वो रखते हैं इन दी फॉर्म ऑफ फैट, दिस इज हम्प। एज वी ऑल नो दैट एरिया दैट एनवायरमेंट इज हॉट एंड ड्राई, सो देयर स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंटेंस हीट, बहुत ज्यादा हीट से उनकी स्किन उन्हें बचाए रखती है। एंड दे हैव लॉन्ग लेग्स, कीप द बॉडी अवे फ्रॉम वार्म सैंड। एज वी ऑल नो एज वो जहाँ वहां पर जो एरिया बहुत ज्यादा ड्राई मतलब और वार्म होता है तो सैंड भी वार्म हो जाती है, सो जिसकी वजह से दे हैव लॉन्ग लेग्स। ये लॉन्ग लेग्स उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा सैंड से दूर रखते हैं, जिसकी वजह से वो वार्म सैंड उनको नहीं छू सकती। एंड एज यू कैन सी दीज आर द टोज, दे आर ज्वाइंट टूगेदर टू प्रिवेंट सिंकिंग इन टू द सैंड, सैंड के अंदर घुस जाने से, अंदर डूब जाने से इन्हें ये इनके लेग्स मतलब टोज बचा के रखते हैं। सो दीज आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ कैमल विच हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट एरिया। समझ आया? दीज आर द एडाप्टेशंस ऑफ कैमल। सो अवर नेक्स्ट एनिमल इज पोलार बियर, इट इज ऑल्सो टेरेस्ट्रियल एनिमल, बट वॉट आर द स्पेशल फीचर ऑफ पोलार बियर विच हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन इट्स सराउंडिंग? लेट्स स्टडी। पोलार बियर्स आर अडेप्टेड टू लिव इन द कोल्ड आर्टिक रीजन, दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फर ऑन देयर बॉडी, ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन कीप्स देम वार्म इन एक्सट्रीमली कोल्ड एंड विंटर कंडीशंस, रफ एंड नॉन स्लिप सोल प्रिवेंट द बियर फ्रॉम स्लिपिंग वाइल वॉकिंग ऑन आइस। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ ए पोलार बियर एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अडेप्टेशंस और द स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोलार बियर विच हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन पोलार रीजन। पोलार रीजन मतलब वो एरिया जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी होती है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है वो एरिया। एज यू कैन सी इन द पिक्चर दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फर, ये जो दिख रहे हैं ना इनकी बॉडी के ऊपर ये फर है, बहुत ज्यादा मोटी थिक लेयर है फर की, विच कीप्स देयर बॉडी वार्म विच हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड एनवायरमेंट। सो ये जो थिक फर है उनकी बॉडी में उन्हें उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं कोल्ड रीजन में भी। एंड दे हैव रफ एंड नॉट स्लिप सोल्स, दे प्रिवेंट स्लिपिंग ऑन आइस, मतलब इनके जो ये सोल्स है देखो आप देख रहे होंगे ये बहुत ज्यादा रफ होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो आइस में स्लिप या पिसल नहीं जाते, मतलब ये स्पेशल फीचर्स है पोलार बियर के विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन पोलार रीजन। दे हैव फर ऑन देयर बॉडी एंड नॉन स्लिप सोल्स टू प्रिवेंट देम स्लिपिंग ऑन सॉइल, दीज आर द अडेप्टेशंस ऑफ ए पोलार बियर।